Hello everyone, welcome to Technologies and let's start with our daily tech news. तो टेक न्यूज शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि एक और गिव अवे चल रहा है जिसके अंदर मैं हूँ और मुझे उन्होंने एंटर किया है। तो बता देता हूँ कि पहले भी आपको मैंने बताया था गिव अवे चल रहा था जिसके अंदर मल्टीपल प्राइजेस आपको मिलते हैं, तो उसकी भी लिंक आपको एज ऑलवेज अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता था। तो एक और गिव अवे चल रहा है जिसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस में मल्टीपल प्राइज आपको मिलेंगे। सैंडिस्क का अल्ट्रा डुअल यूएसबी 3.0 16GB वाला और DGB कर्व वायरलेस बटन का गेमिंग माउस मिलता है। काफी सारे प्राइजेस यहाँ पे लिस्टेड हुए हैं और इसके अंदर देख सकते हैं आप 5 से 6 चैनल जो हम उसके अंदर कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो फिर सिर्फ 14 डेज लेफ्ट है, तो आपको इसकी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी गिव अवे के साथ में ये भी लिंक मिलेगी, यहाँ पे जाइएगा एंटर करिएगा और हो सकता है आपको ये गिव अवे 5 प्राइस, वो गिव अवे के 5 प्राइस, 10 प्राइस में से उम्मीद कर सकते हैं कि आप में से कोई भी एक जो वो जीत सकता है। पहली खबर की बात करते हैं और पहली खबर में आपको बता देते हैं कि Asus का Zenfone 3 Deluxe ताइवान के अंदर जो वो लॉन्च हो गया है स्नैपड्रैगन 821 के प्रोसेसर के साथ। जी हाँ, और यही जो प्रोसेसर वाला जो फोन है Asus का जो नया, ये इंडिया के अंदर भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसकी स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग आपको बता रहे थे। इसके अंदर आपको मिलता है 5.7 इंच का फुल HD का सुपर एमोलेड का डिस्प्ले, 6GB की रैम, 256GB का मैसिव इनबिल्ट स्टोरेज, प्लस आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा के 128GB तक का एक्सपांड भी कर सकते हैं। 23 MP का सोनी का सेंसर वाला रियर फेसिंग का कैमरा जिसके अंदर आप 4K वीडियो भी शूट कर सकते हैं। 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा, बैटरी जो है वो 3000 mAh की आपको मिलती है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 52,000 रुपीज के अंदर ये इंडियन में कन्वर्ट हो रही है प्राइसिंग इसकी, और अब उम्मीद करते हैं कि जब ये इंडिया में लॉन्च होगा तो प्राइसिंग हमें जो वो थोड़ा 40 या 30,000 रुपीज के अंदर देखने को मिलेगी, तो अच्छा है। प्राइसिंग हाई इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको 256GB का मैसिव स्टोरेज मिलता है और इसके अंदर आपको जो मिलता है वो 23 MP का रियर फेसिंग कैमरा, शायद से इसी की वजह से जो प्राइसिंग हाई है। साथ साथ में Asus ने अपना ZenPad 3S एक टैबलेट भी जो वो लॉन्च कर दिया जिसका मॉडल नंबर है Z500M। 9.7 इंच का आपको LCD डिस्प्ले मिलता है, 2K की रेजोल्यूशन, 2048x1536 का इसके अंदर पिक्सल का रेजोल्यूशन है, 4GB की रैम है, 32GB की आपको स्टोरेज मिलती है, माइक्रो एसडी कार्ड लगा के एक्सपांड भी कर सकते हैं, 8 MP का आपको रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, 5 MP का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, एंड्रॉइड मार्शमेलो 6 पर चलने वाला है, MediaTek का MT8176 का इसके अंदर प्रोसेसर है, 1.7 GHz का क्लॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके अंदर साथ में आएगा और इसके अंदर बैटरी का यहाँ पे कोई जानकारी तो दी नहीं है। और प्राइसिंग की बात करें तो बोला जा रहा है कि इसकी जो प्राइसिंग होगी वो 23,000 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिलेगी। ये दोनों फोन भी जब इंडिया के अंदर लॉन्च हो गए तो ही हम बता सकते हैं कि इसकी एक्चुअल प्राइसिंग जो इंडिया के अंदर वो क्या होगी। डील की बात करते हैं और आज की जो डील आ रही है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरफ से। सबसे पहले बता देता हूं कि अमेजन के ऊपर एक अच्छी डील चल रही है इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं लिखा है अप टू 50% ऑफ इंटरनेशनल डील्स दे। तो यहाँ पे आप जैसे कि जाएंगे लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो वहां पे आप जाएंगे तो काफी सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन करेंसी में शो कर रहा है और अच्छे खासे डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं। स्मार्ट वॉच भी काफी इसके अंदर है, तो बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे स्मार्ट वॉच खरीदना है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं और यहाँ से जो खरीद सकते हैं। और एक बात बता रहा था कि फ्लिपकार्ट के ऊपर भी एक अच्छी डील चल रही है, सस्ती मिलेगी और मेमोरी कार्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्टेड है, बहुत अच्छा खासा मेमोरी कार्ड है सैमसंग का, ईवो का 32GB का आपको सिर्फ 539 रुपीज में मिलता है। बहुत सारे चीजें यहाँ पे आपको जाएगा तो मिल जाएगी, तो सबकी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप जाइएगा और डील को जो वो यूज कर लीजिएगा। तो फ्रीडम की तरफ से खबर आ रही है, आपको बता रहता हूँ कि फ्रीडम ने जैसे कि अभी अपने 5000 फोन्स फ्रीडम 251 को डिलीवरी कर दिया था और जैसे कि खबरों में था कि फ्रीडम बोल रहा था कि हम जो वो नया HD LED TV जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, तो फ्रीडम 25 जुलाई को अपना एक नया टीवी लॉन्च करने वाला है, 31.5 इंच का HD का LED TV, प्राइसिंग जो है वो 9,990 यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट HD LED TV आपको इस प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फ्रीडम बोल रहा है कि 25 जुलाई को इसका जो वो लॉन्च डेट होगा, साथ साथ में कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को वो लोग रोप करेंगे इसके अंदर, जहाँ पे जॉन अब्राहम, वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस, अक्षय खन्ना जैसे आएंगे और इसकी पब्लिसिटी के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर जैसे होते हैं वैसे आके इसकी जो लॉन्च होगी। 26 जुलाई से ये आप खरीद सकते हैं, उनकी वेबसाइट शायद से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और अगस्त 15 से ये जो टीवी है वो डिलीवरी करना स्टार्ट कर देंगे। अब कुछ पता नहीं, नोएडा के अंदर इनका ये इवेंट होने वाला है, अब कुछ पता नहीं, जैसे कि फ्रीडम 251 में इतना लफड़ा झमेला हुआ था, हो सकता है इसके अंदर भी शायद से हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब देखते हैं जुलाई 25 का वेट करते हैं, फ्रीडम का फिर से एक और प्रॉमिस आया है, अब वो प्रॉमिस पे पूरे होते नहीं होते ये तो जब लॉन्च होगा तो ये हमें पता चले। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7, बहुत रूमर्स आ रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 कब लॉन्च होगा, तो फाइनली यहाँ पे खबर कंफर्म होके आई है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 जो है वो अगस्त 2 को जो है वो ग्लोबली लॉन्च होने वाला है न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर इसका जो लॉन्च इवेंट होगा। मीडिया को इनवाइट देना भेजना शुरू कर दिए सैमसंग ने और अब ऑफिशियली जो सैमसंग की तरफ से कंफर्म हो चुका है।
अब बहुत रूमर्स आ रहे हैं कि स्पेसिफिकेशंस क्या होगी, 5.7 इंच की होगी, कोई बोल रहा है 6 इंच का डिस्प्ले होगा, कोई बोल रहा है 6 GB रैम होगी, कोई बोल रहा है 4 GB रैम होगा। सारी जो खबरें और सारी जो रूमर्स है ये कंफर्म तब होगी जब August 2 को सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 जो है वो फाइनली लॉन्च होगा। साथ साथ ये भी उन्होंने कंफर्म किया है कि नोट 6 नहीं आएगा, नोट 6 को उन्होंने कैंसिल कर दिया है और नोट 7 ही हमें देखने को मिलेगा। आईफोन की तरफ से एक और खबर आ रही है और आपको बता रहे तो कि कल जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हैं कि आईफोन 7 की कुछ इमेजेस जो हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस वो लीक होकर आई है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। कल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, अब जो आईफोन का हायर वेरिएंट है आईफोन 7 प्लस जिसको बोला जा रहा है उसकी कुछ अच्छी खासी इमेजेस यहाँ पे लीक होकर आई है, जिसे कि आप देख सकते हैं हर एंगल से आप देख सकते हैं। और पहले तो ये इमेजेस जिसने लीक किया है यहाँ पे बोला जा रहा है एल्बर्ट स्केची, इन्होंने जो इमेजेस लीक करी है और फ्रेंच की वेबसाइट नोवेयर एल्स के ऊपर ये इमेजेस लीक होकर आई है। अब इसमें देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईफोन 7 प्लस के अंदर आपको जो वो डुअल कैमरा देखने को मिल सकता है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो जो रूमर्स आ रही थी कि आईफोन की जो हायर वेरिएंट में हमें डुअल कैमरा देखने को मिलेगा वो शायद से यहाँ पे जो कंफर्म हो गई। साथ साथ में ये भी बोला जा रहा है कि आईफोन इसके अंदर जो उनका जो साइलेंट बटन होता है, जैसे कि आपको पता होगा आईफोन के अंदर होता है, उसको म्यूट करते हैं अनम्यूट करते हैं, वो भी आईफोन जो यहाँ पे डिच करने वाला है, यानी कि हमें नेक्स्ट आईफोन के अंदर ऐसे फीचर्स को देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लीक्स रूमर आ रहे थे लेकिन ऐसे कुछ इमेजेस अब उठ के आ रहे हैं, ये तो कोई फोटोशॉप तो हो नहीं सकते, तो शायद से हमें बहुत जल्दी आईफोन की तरफ से नए फोन जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। हाईबॉल ने अपना एक वॉइस कॉलिंग टैबलेट जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है अपनी स्लाइड की सीरीज के अंदर, जिसका नाम है हाईबॉल स्लाइड विंग्स। इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग आपको बता रहे थे। इसके अंदर आपको मिलता है 8 इंच का HD IPS डिस्प्ले, 1280x800 पिक्सल का आपको रेजोल्यूशन मिलता है, 1.3 GHz का क्वाड कोर का ARM Cortex A7 का प्रोसेसर है, 5 MP का आपको रियर फेसिंग कैमरा मिलता है LED फ्लैश के साथ, 2 MP का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, 2 GB की रैम मिलती है, एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप के ऊपर चलता है, 16 GB की स्टोरेज मिलती है, फर्दर आप माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड भी कर सकते हैं, और बैटरी जो है वो 4300 mAh की आपको मिलती है। स्पेसिफिकेशंस काफी प्रॉमिसिंग है। इसकी प्राइस की बात करें तो 8200 rupees आईबॉल ने रखी है, तो इस बार आईबॉल यहाँ पे जो है वो मतलब यानी कि हम उससे सहमत है क्योंकि प्राइसिंग भी अच्छी रखी है, स्पेसिफिकेशन भी अच्छे दे रहा है। वॉइस कॉलिंग टैबलेट डुअल सिम वाला है, तो अगर आप उम्मीद करते हैं अगर आपको अच्छा टैबलेट खरीदना है तो आप जा सकते हैं और आईबॉल का ये वाला जो टैबलेट है वो जरूर से जो वो खरीद सकते हैं। गूगल की तरफ से खबर आ रही है और आपको बता रहता हूँ कि गूगल का हैंगआउट्स जो लोग यूज करते हैं एंड्रॉइड के अंदर, और आपको पता होगा कि आईफोन के अंदर जो हैंगआउट्स यूज होता था उसके अंदर हमें जो वो वीडियो रिकॉर्डिंग करना और वीडियो सेंड करने का भी ऑप्शन था, तो एंड्रॉइड के अंदर सिस्टम अभी देखने को नहीं मिलता था। अब गूगल ने कंफर्म किया कि उनका जो हैंगआउट्स का नया अपडेट आएगा उसके अंदर आपको एबिलिटी टू रिकॉर्ड और सेंड वीडियोस का भी ऑप्शन दे देगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे जहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वीडियो क्लिप भी जो सेंड कर सकते हैं, तो गूगल ने कंफर्म कर दिया है। ये बहुत जल्दी जो लोग हैंगआउट्स यूज करते हैं, मैं तो यूज नहीं करता लेकिन काफी सारे लोग यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, तो आप जो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन और वीडियो सेंड करने का ऑप्शन भी उसके अंदर देखने को मिलेगा। कीकू की तरफ से खबर आ रही है आपको, तो कीकू जो है वो एक स्मार्टफोन है यानी कि एक चाइनीज कंपनी है, और जैसे कि कल आपको मैंने बताया था कि ब्लूबू करके एक चाइनीज कंपनी बहुत जल्दी इंडिया के अंदर आने वाली, जैसे शाओमी और दूसरे कंपनीज ऑलरेडी इंडिया के अंदर आ चुके हैं, तो ये लोग भी बोल रहे हैं कि हम भी इंडिया के अंदर आएंगे और हमारे भी स्मार्टफोन्स बेचेंगे। तो कीकू K1 ये स्मार्टफोन का नाम है, कीकू मोबाइल कंपनी ने लॉन्च किया है। बताया जा रहा है इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग क्या होगी और इंडिया के अंदर ये आने वाला बहुत जल्दी है। तो स्पेसिफिकेशन बताते हैं, 5 इंच की आपको HD की डिस्प्ले मिलती है, 1.3 GHz का क्वाड कोर का MediaTek का MT6735 का प्रोसेसर है, 2 GB की रैम है, डुअल सिम है, 3G और 4G सपोर्ट होता है, 5.1 एंड्रॉइड लॉलीपॉप पे मिलेगा आपको, 16 GB की स्टोरेज होगी, 128 GB माइक्रो SD कार्ड लगाएगा, आप एक्सपांड भी कर सकते हैं, 13 MP का रियर फेसिंग कैमरा है, 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, बैटरी की यहाँ पे कोई बात हुई नहीं है। बोला जा रहा है ये इंडिया के अंदर बहुत जल्दी आने वाला है, मोस्टली जो बोल रहे हैं नेक्स्ट मंथ शायद से इंडिया के अंदर ये कंपनी जो वो आएगी। प्राइसिंग की बात करें तो मुझे लगता है प्राइस जो होगी वो 10,000 या 7,000 rupees के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। आज की टेक्निक जो है यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की टेक्निक जो है वो पसंद आएगी एज ऑलवेज, इसीलिए आप इतने अच्छे अच्छे लाइक्स देते हैं, मेरे सारे टेक्निक जो है वो 100 के ऊपर जो लाइक्स क्रॉस हो जाती है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बस आपको यही बताना था, और एक और चीज बता देता हूँ कि मैंने एक जिम का ब्लॉग जो तैयार हो गया, तो कल और शायद से रात में कल सुबह में मैं अपलोड कर दूंगा, तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेना, उसमें भी लाइक्स दे देना अगर आपको पसंद आएगा तो। और कुछ बताने का है नहीं, नेक्स्ट वीक से शायद से ज़ेब्रोनिक्स का मुझे प्रोडक्ट्स आएगा रिव्यू के लिए, तो उसका भी आपको एक रिव्यू दे दूंगा। एक और चैनल है ई रिव्यू करके, बहुत अच्छे रिव्यूइंग और अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाते हैं, तो वो मुझे बना के वीडियोस भेजेंगे, तो आपको कुछ और नए अनबॉक्सिंग वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे चैनल का मेन मकसद जो है वो सिर्फ अनबॉक्सिंग और रिव्यूज है, लेकिन मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स है नहीं, तो मैंने सोचा कि टेक न्यूज ब्लॉग्स वगैरह दे देकर आपको जो वो थोड़ा सा कनेक्टेड रखूं। बस इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अपने कंप्यूटर की बूट अप स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से सिर्फ 2-4 स्टेप्स कर, तो सर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको सर्च बॉक्स खोलना होगा।